वाला ने फरमाया, ये बात हमेशा याद रखना कि जो खुशी तुम इंसानों को बड़ी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के बाद मिलती है, वो ही खुशी इंसान को छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के बाद भी मिलती है। ये तो इंसान का वहम होता है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगा, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं बहुत ही आराम से रहूंगा। और जब कुछ ही दिनों के बाद उसकी वो खुशी मिल जाती है, उसकी वो खुशी पूरी हो जाती है, वो उस खुशी का आदी बन जाता है और फिर वो अपनी किसी बड़ी ख्वाहिश की तलाश में फिर घूमता रहता है इधर उधर, उस खुशी को पूरा करने के लिए वो भागता रहता है और फिर ये ख्वाहिश का सिलसिला मरते दम तक कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इंसान का ये रवैया कब खराब होता है? जब वो खुशी उसके पास है और उस खुशी को ना देखकर किसी बड़ी बड़ी और दूसरी ख्वाहिशों की फिक्र में लगा रहता है और फिर वो दूसरी खुशियों के चक्कर में भागता रहता है, दिन रात उन खुशियों को हासिल करने की फिक्र में लगा रहता है। जो खुशियां तुम हासिल नहीं कर सकते उन ख्वाहिशों के पीछे भागना छोड़ दो और जो खुशी तुम्हारे पास है उसको महसूस करने की कोशिश करो। जो खुशियां अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में दी है उसका शुक्र अदा करो, उसको देखो, उन खुशियों को महसूस करो, उन खुशियों का शुक्र अदा करो जो भी तुम्हारे पास है, चाहे अच्छी है या बुरी, उसका शुक्र करो। जब तुम इन छोटी छोटी खुशियों के साथ खुश रहना सीख लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी कदमों में बड़ी से बड़ी खुशियों को भी तुम्हारे कदमों में रखेगा। जब तुम इन छोटी छोटी खुशियों के साथ खुश रहना सीख लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी बड़ी से बड़ी खुशियों को भी तुम्हारे कदमों में रखेगा।